यह Xiaomi की तरफ से Redmi Note 13 Pro Plus 5G जिसमें आपको 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8+2 का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा एंड आगे की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है जिसमें आप 1080p में वीडियो को शूट कर सकते हो एंड अमेजिंग मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। एंड ये रहे कुछ कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने अलग अलग एंगल से खींचे हैं एंड इसमें आप अपटू 4K 60fps तक वीडियो को शूट कर सकते हो एंड इसमें आपको OIS भी मिलता है जिससे आपकी जो वीडियो स्टेबल रिकॉर्ड होती है। साथ ही MediaTek Dimensity 7200 Ultra का प्रोसेसर इसे एक पावरफुल स्मार्टफोन बना देता है जिससे आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी प्लस 120W का हाइपर चार्ज मिलता है जिससे आप 19 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाओगे एंड पानी में गिरने पर भी इस फोन को कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें आपको IP68 का डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस मिलता है एंड इसमें आपको 6.67 इंच का क्रिस्टल रिजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन इसको इस प्राइस रेंज में बेस्ट फोन के कैटेगरी में आने में मजबूर कर देता है। साथ ही इसमें आपको डुअल स्पीकर जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं विद IR ब्लास्टर और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है इसमें। तो अगर आप 30,000 में एक बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो एंड आपका इस फोन को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना।